पीसीओडी की समस्या बहुत सारी महिलाओं में आ रही है, तो क्या इसका इलाज आयुर्वेदा में संभव है? जी बिल्कुल। बेसिकली सबसे पहले पीसीओडी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पीसीओडी के जो लक्षण रहते हैं इसमें होता क्या है कि इसमें पानी वाली रसौलियाँ अंडेदानी में बननी शुरू हो जाती है, जिसके कारण हर एक पेशेंट के सिम्टम्स अलग अलग रहते हैं। किसी को पीरियड्स नहीं आते समय पे, या किसी का साइकिल काफ़ी ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, या काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग आती है, और हर एक पेशेंट्स के अलग अलग सिम्टम्स रहते हैं। और इस तरह की कंडीशंस में मोस्टली जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं उनके काफ़ी ज़्यादा फेशियल ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाती है, हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है, ओवरवेट होना शुरू हो जाता है ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। आयुर्वेदा में अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो बेसिकली इसमें पीसीओडी में होता क्या है कि जो दोषास होते हैं वाता पिता कफ, ये काफ़ी इम्बैलेंस हो जाते हैं, और आता स्रोत के थ्रू ही हम लोग इन दोषास को बैलेंस करते हैं, रिस्टोर करते हैं और उनकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करते हैं। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट में हम लोग पेशेंट्स को कुछ दीपन पाचन देते हैं, स्रोतस का शोधन करते हैं, मेदोहर करते हैं, जिससे कि जो उनकी ओवरीज में यानी कि सिस्ट बन रहे हैं उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, ओवर यानी कि जो ओवुलेशन है उसको स्टिमुलेट करते हैं, जिससे कि साथ ही उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक्टिव हो जाता है। तो अगर आप भी, मैं तो यही सबको मैसेज देना चाहूंगी कि आयुर्वेदा में स्विच करें।